चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद अब चंद्रयान 3 ने अपना काम शुरू कर दिया है। पहले विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने चांद के साउथ पोल की तस्वीरें साझा की। इन फोटोज में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाया गया है। वहीं लैंडर की चांद पर उतरने के बाद उसके साथ की परछाई भी दिखाई दी। इन तस्वीरों से न सिर्फ देश में बल्कि विदेशी मीडिया में भी तहलका मच गया। ये पहली बार था कि चांद के दक्षिणी हिस्से को देखा गया हो। अभी ये तस्वीरें सुर्खियां बटोर ही रही थी कि अब चांद से एक नया वीडियो भी आ गया है। जी हां, इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग से ठीक पहले का वीडियो गुरुवार शाम जारी कर दिया है। ये वीडियो चंद्रयान 3 ने भेजा है। इसमें चांद का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। 2:17 के इस वीडियो में चांद की सतह पर शुरुआत में लहरों जैसा नजारा दिखा। पास पहुंचते ही वहां गड्ढे नजर आए। वहीं चंद्रमा पर धूल जमते ही प्रज्ञान रोवर भी बाहर आ गया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद ये 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की। इसरो ने ट्वीट कर कहा, रोवर प्रज्ञान की सभी एक्टिविटीज तय समय पर हो रही हैं। पूरा सिस्टम नॉर्मल है। लैंडर मॉड्यूल पेलोड इल्सा रामभा और चास्टे चालू हो गए हैं। रोवर चलने लगा है। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिनों में करीब 0.5 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से मिलकर उन्हें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बधाई भी देंगे। आपको बता दें कि चांद पर भारत का ये 3रा मिशन था। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई थी जिसमें चांद पर पानी की मौजूदगी के बारे में पता चला था। फिर 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया। इसके बाद 2023 में चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। इसे चांद की सतह पर पहुंचने के लिए 41 दिन लगे लेकिन लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करने में सफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।